हेलो एवरीवन मेरा नाम दिलीप कुमार है मुझे इस बार सिविल सेवा परीक्षा 2018 में तिहत्तरवीं रैंक मिली है और ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था पिछले अटैम्प्ट में मुझे छः सौ रैंक आई थी जिसमें मैं अभी आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मैं आईपीएस की ऑलमोस्ट 80 परसेंट ट्रेनिंग कर चुका हूँ और हम में से बहुत से लोग रहते हैं जिन्हें आईपीएस में जाना हो जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस आईपीएस हो या रैंक की वजह से जिनको आईपीएस मिल रहा हो तो उनको जिज्ञासा होगी कि आई में ट्रेनिंग में क्या होता है किस तरीके का होता है तो आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपसे आईपीएस की अपनी ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहूँगा लवासना मसूरी में पंद्रह वीक के फाउंडेशन कोर्स के बाद दिसंबर से सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में आईपीएस की ट्रेनिंग शुरू होती है सबसे पहले मैं ट्रेनिंग का जनरल रूटीन बता देता हूँ ट्रेनिंग में दिन शुरू होता है 5:20 5:20 पे आईपीएस पी मेस के सामने फॉल इन होता है और 5:45 तक रोल कॉल हो करके दिन के शुरू के दो पीरियड्स शुरू हो जाते हैं तो मॉर्निंग में 50 मिनट्स के दो पीरियड्स होते हैं इनिशियल थ्री मंथ्स में इन दो पीरियड दोनों के दोनों पीरियड पी के रहते हैं पीटी में अल्टरनेट होता है एक दिन कार्डियो के लिए एक्सरसाइज होती है और एक दिन स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज होती है तो कार्डियो में रनिंग का रनिंग का कंपोनेंट होता है उसके अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट रहते हैं तो रनिंग में इनिशियल इनिशियल वीक में फोर फोर हंड्रेड मीटर के फोर या फाइव राउंड से शुरू करते हैं तो ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं एट द एंड ऑफ अराउंड टू मंथ्स थर्टीन फोर्टीन राउंड्स तक पहुँच जाता है समटाइम्स फिफ्टीन सिक्सटीन राउंड्स ऑल्सो और स्ट्रेंदनिंग में पुशअप सिटअप इन सब एक्सरसाइजेज पर फोकस रहता है वहाँ भी क्योंकि बहुत सारे लोग प्रिपरेशन फेज से जाते हैं तो कोई भी फिजिकल करके नहीं जाता तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे भी ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाता है एक्सरसाइज ताकि सब लोग जो हैं वो एक मिनिमम लेवल अचीव कर लें तो सेवन थर्टी पे हमारा मॉर्निंग का जो फिज़िकल ट्रेनिंग का पीरियड जो है वो ख़त्म होते हैं उसके बाद मैथ्स में आते हैं मैथ्स में आके हम ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करते हैं तब तक आठ सवा आठ हो जाते हैं नौ बजे से लेकर के वन थर्टी फाइव तक का इंडोर का शेड्यूल रहता है जहाँ पे फोर्टी फोर्टी मिनट्स की सिक्स क्लासेस रहती है जिसमें बहुत सारे पुलिस रिलेटेड सब्जेक्ट्स जैसे सी आर इंडियन एविडेंस एक्ट स्पेशल लॉज इन्वेस्टिगेशन क्राइम प्रिवेंशन क्रिमिनोलॉजी पुलिस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस एंड ऑर्डर इंटरनल सिक्योरिटी ये सब सब्जेक्ट्स इंडोर में कवर होते हैं इंडोर ख़त्म होने के बाद लंच के लिए टाइम होता है तो इनिशियल फेज में 2:30 पे वापस फॉल इन होता है उसके बाद फिर से दो पीरियड होते हैं फिजिकल ट्रेनिंग के उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं किसी दिन स्विमिंग होगा किसी दिन राइडिंग होगा किसी दिन ड्रिल होती है और उसके बाद गेम्स का पीरियड रहता है एकेडमी में पांच गेम्स हैं सौ गेम कंपलसरी है फुटबॉल वॉलीबॉल हैंडबॉल बास्केटबॉल एंड हॉकी तो पीरियोडिकली ये गेम्स शेड्यूल रहते हैं हर स्कोर्ट के लिए और लगभग ये चार या पाँच महीने की ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद इंटर स्कोर्ट गेम्स कंपटीशन होता है इन्हीं पाँच गेम्स के लिए उसके बाद तो गेम्स पीरियड ख़त्म होते होते सिक्स सिक्स थर्टी हो जाता है सिक्स सिक्स थर्टी पे ए, डे एंड हो जाता है ऑफिशियली उसके बाद भी अगर कुछ कोई फिज़िकल में थोड़ा पीछे रह रहा हो या वो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना हो तो इनिशियल डेज़ में एक्स्ट्रा क्लासेस भी रखी जाती है पीटी और रनिंग वगैरह की तो ये जनरल रूटीन रहता है और ट्रेनिंग में बहुत सारी एक्टिविटी रहती है फिज़िकल एक्टिविटीज़ में रनिंग पी टी एक है उसके बाद बी ओ होता है बेसिक ऑब्स्टिकल बैटल ऑब्स्टिकल असोल्ट कोर्स जिसमें बहुत सारे नेचुरल आर्टिफिशियल ऑबस्टेकल्स बनाए रहते हैं नेचुरल की लाइंस पे ही उनको क्रॉस करना रहता है और पीटी में पीटी टी ऑब्स्टिकल्स भी रहते हैं उसके बाद स्विमिंग रहता है कंपल्सरीली स्विमिंग का टेस्ट पास करना रहता है राइडिंग का वीकली एक पीरियड आ जाता है फायरिंग और वेपन ट्रेनिंग की क्लासेस भी होती है जिसमें हम पॉइंट टू टू पॉइंट थ्री नोट थ्री सेवन पॉइंट सिक्स टू एम एम एस एल आर फिर फाइव पॉइंट फाइव सिक्स एम एम इंसास ए के एम ये सब आ, वेपन्स का हैंडलिंग असम्बली डिसम्बली एंड फायरिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है तो ये सब आ, 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 और इंडोर में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स जिनमें प्रैक्टिकली जिसमें प्रैक्टिकल आस्पेक्ट रहता है जैसे इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक साइंस फोरेंसिक मेडिसिन तो इन सब के लिए सिमुलेशंस होते हैं इन्वेस्टिगेशन के तीन सिमुलेशंस होते हैं जिसमें हमें एक आइपोथेटिकल केस सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिसमें सारा डॉक्यूमेंटेशन करना होता है और किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है ये सारा प्रोसेस कवर किया जाता है और फॉरेंसिक साइंस के भी अलग से मॉड्यूल होते हैं जिसमें फिंगरप्रिंट कैसे लिफ्ट करना है फुटप्रिंट कैसे लिफ्ट करना है या क्राइम सीन पे जाते हैं तो वहाँ पे क्राइम सीन को प्रोटेक्ट कैसे करना है वहाँ से एविडेंसेस वग़ैरह कैसे लिफ्ट करने हैं ये सब चीज़ें फॉरेंसिक साइंस और फॉरेंसिक मेडिसिन में कवर की जाती है मॉडल पुलिस स्टेशन के भी तीन मॉड्यूल होते हैं जिसमें हमें एक दिन के लिए मॉर्निंग में नाइन नौ बजे जाना होता है और उस दिन रात को वहीं रुकना होता है अगले दिन छः बजे वापस आई पी में आते हैं तो उसमें हम ये रियलाइज़ कर पाते हैं कि पुलिस स्टेशन में क्या क्या काम होते हैं अलग अलग ड्यूटीज़ असाइन की जाती है किसी को रोटेशन बेसिस पे किसी को एस एच कोई रिसेप्शन पे बैठेगा कोई राइटर का, का काम करेगा कोई सेंट्री का, का काम करेगा और रात में रुकने के लिए भी वहीं रहता है और उसमें नाइट पेट्रोलिंग का एक्सपीरियंस भी दिया जाता है रात में उठ के नाइट पेट्रोलिंग पे जा रहे हैं कोई ड्रंक एंड ड्राइविंग या इस टाइप का कोई केस हाइपोथेटिकली क्रिएट किया जाता है उसको किस तरीके से हैंडल करना है ये सब चीज़ें इंडोर में रहती है उसके अलावा सैटरडे को रेगुलर क्लासेस नहीं होती है सैटरडे को अकेडमी एमिनेंट पर्सनालिटीज़ को इनवाइट करती है लेक्चर देने के लिए तो उसमें बहुत सारे रिटायर्ड या फिर अभी फ़िलहाल वर्किंग आईपीएस ऑफिसर्स या अलग अलग फील्ड से डिग्नेटरीज़ एन इन सब को इन्वाइट किया जाता है उन सब से इंटरेक्शन होता है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें और इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से मिलने का मौका मिलता है संडे जनरली फ्री रहता है और सैटरडे भी हाफ हाफ़ वर्किंग डे होता है ये सब चीज़ें ट्रेनिंग ए, ए, एकेडमी के अंदर होती है फिर एकेडमी में ए, कुछ अटैचमेंट्स भी हैं जैसे ए, आई बी अटैचमेंट होता है एक वीक का उसके बाद आई टी बी पी अटैचमेंट होता है एक वीक का जहाँ पे रिवर राफ्टिंग बंजी जंपिंग रॉक क्लाइंबिंग आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग ये सब चीज़ों से एक्सपोज किया जाता है आई टी बी पी अटैचमेंट के बाद मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि ट्रेनिंग का सबसे बड़ा मकसद है कि हमें जिस चीज़ से फियर हो उस फियर को वो गायब कर दें तो आई टी बी पी अटैचमेंट से वापस आने का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही था कि जिस किसी के भी दिमाग में हाइट से फियर होगा तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसके बाद और उसके बाद इलेक्शन अटैचमेंट होता है अगर हम फॉर्चुनेट थे कि हमारे ट्रेनिंग के साथ पार्लियामेंट्री इलेक्शन को किया था तो मैं राजस्थान गया था एक वीक के लिए तो इलेक्शन अटैचमेंट में बिहाइंड द कर्टन किस तरीके से पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन को अरेंज करने के लिए पीसफुली करवाने के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स होते हैं इलेक्शन डे पे क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ होती है इन सब चीज़ों के बारे में एक्सपोजर मिलता है उसके बाद दो इम्पोर्टेंट अटैचमेंट होते हैं ग्राहाउंडस और सी एस डब्ल्यू टी में कुरला वारफेयर जंगल वारफेयर इन सब के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पे एक एक्सरसाइज होती है ए, 48 एट आवर्स की मिनिमम बेर मिनिमम थिंग्स के साथ सर्वाइवल की तो वहाँ पे हम किस तरीके से एज ए टीम काम कर सकते हैं या किस तरीके से एडवर्स सिचुएशन में भी एफिशिएंटली काम करके निकल के आ सकते हैं इस चीज़ों इन सब चीज़ों का एक्सपोजर मिलता है और सी एस डब्ल्यू टी इंदौर में भी एक वीक का अटैचमेंट होता है जिसमें मीडियम और लार्ज uh, आर्म्स uh, जो हैं जैसे स्नाइपर या फिर एल एम जी रॉकेट लॉन्चर इन सब चीज़ों का एक्सपोजर मिलता है और साथ में मिड टर्म ब्रेक के बाद अराउंड जून में पंद्रह दिन का भारत दर्शन होता है जिसमें मिनिमम uh, uh, जिसमें हर ग्रुप तीन स्टेट uh, विजिट करता है तो स्टेट में जाते हैं तो गवर्नर uh, गवर्नर डीजी या जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन सबसे इंटरेक्शन होता है या स्टेट की कल्चरल और भी कल्चरल या नेचुरल साइट्स वगैरह है वहाँ पर विजिट करते हैं पंद्रह दिन का भारत दर्शन का टूर होता है और साथ में एकेडमी में जो चीज़ मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगी एक टेक विंग है टैक्टिक्स की विंग है तो टैक्टिक्स विंग में पुलिस और फोर्सेस की डिफरेंट टैक्टिक्स से टेक्टिक्स के बारे में बताया जाता है इनिशियल पीरियड में मैप रीडिंग एक मैप को रीड करके आप रूट कैसे प्लान करोगे ये सब बताया जाता है उसके बाद जीपीएस को यूज़ कैसे करना है जीपीएस को यूज़ करके हम किस तरीके से अपना रूट प्लान कर सकते हैं ये ये सब सिखाया जाता है फिर उस उसका एक कंपोनेंट रूट मार्चेस भी होता है जिसमें तीन रूट मार्च चार रूट मार्चेस होता है होती है एक 15 किलोमीटर 25 किलोमीटर और 40 किलोमीटर ऑन रोड होती है और एक 25 किलोमीटर रूट मार्च जिसमें आप एज ए टीम काम करते हो और जी की मदद से अलग अलग गिवन टारगेट्स पर जाकर के और एक रूट पूरा करना होता है तो ये सब रहता है उसमें साथ में फील्ड सिग्नल्स को कैसे यूज़ करना है फायरिंग ऑर्डर्स कैसे देने हैं या टारगेट को आइडेंटिफाई कैसे करना है टारगेट को डिस्क्राइब कैसे करना है ये सब चीज़ें टैक्टिक्स मॉड्यूल में सिखाई जाती है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है उसमें दो स्पेशल मॉड्यूल होते हैं एक अर्बन ऑपरेशन मॉड्यूल और एक पुलिस टैक्टिक्स मॉड्यूल अर्बन ऑपरेशन मॉड्यूल में हमें ये बताया जाता है कि टेररिस्ट टाइप की हॉस्टेल टाइप की सिचुएशन हो रूम इंटरवेंशन किस तरीके से करना है या किसी बिल्डिंग को टेररिस्ट ने टेररिस्ट है किसी बिल्डिंग में हमें पता चला है या कोई हॉस्टाइल एलिमेंट उसमें है तो उस बिल्डिंग को किस तरीके से कोर्डन करना है किस तरीके से उसमें एंटर करना है किस तरीके से टा जो टारगेट है उसको न्यूट्रलाइज करना है ये सब चीज़ें हमें अर्बन ऑपरेशन मॉड्यूल में बताई जाती है और पुलिस टैक्टिक्स मॉड्यूल में भी डिफरेंट वीआईपी सिक्योरिटी कॉन्वॉय प्रोटेक्शन रोड ओपनिंग पार्टीज इन सब चीज़ों से वाकिफ करवाया जाता है तो ओवरऑल ये सब एक्टिविटीज़ थी जो ट्रेनिंग के फेज़ वन में इन्वॉल्व होती है फेज़ वन दिसंबर से शुरू हो के आ, अक्टूबर एंड तक चलता है उसके बाद सिक्स सेवन मंथ्स के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है हमें आ, और वहाँ से वापस आके फिर थ्री मंथ्स का फेज़ टू होता है जिसमें पहले पी ओ पी फेज़ वन में होता था पर अभी से पासिंग आउट परेड फेज़ टू में होगा और फेज़ टू में फॉरेन अटैचमेंट भी होता है जिसमें एक वीक के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में इसराइल रसिया या सिंगापुर भेजा जाता है फेज़ टू का एंड होते ही ट्रेनिंग एंड हो जाती है और तब से हमें परमानेंट पोस्टिंग एज ए, ए असिस्टेंट एस पी एस पी पोस्टिंग दी जाती है ये ओवरऑल ट्रेनिंग में क्या क्या कंपोनेंट्स है ये मेरा एक्सपीरियंस था पर्सनल और मैंने अराउंड 80 एट्टी एटी फाइव परसेंट ट्रेनिंग कर ली है फ़िज़िकल ट्रेनिंग इनिशियली हम जाते हैं फर्स्ट थ्री मंथ्स में काफ़ी टफ़ रहता है बट बट बाद में तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं क्योंकि एन का सबसे अच्छा सिस्टम यह है कि पूरे बैच को सात आठ आठ स्कोर्ड्स में डिवाइड करके रखते हैं तो जो तुम्हारे स्कोरमेट्स हैं उन्हीं के साथ तुम डिफ़िकल्ट uh, या इजी या एन्जॉइंग टाइम सारा तुम अपने मेट्स के साथ स्पेंड करते हो तो एज ए स्कोर्ड एज स्कोर्ड आपका एज ए फैमिली लाइफ टाइम के लिए फ्रेंड्स बन जाते हैं इसीलिए फर्स्ट थ्री uh, मंथ्स में हो सकता है कि फिजिकल और इंडोर भी साथ में इन सब से कोप अप करना काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है बट आफ्टर थ्री मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग मतलब एवरी वन मतलब काफ़ी अच्छा लगता है उसके बाद और अगर आप इन्जॉय करो तो इतनी इतनी डाइवर्स एक्टिविटीज़ हैं जिनको करके आप आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप और कहीं पे नहीं ले सकते और साथ में फिज़िकल फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ जो ट्रेनिंग बढ़ाने का जिन जो मोटिव है ट्रेनिंग का वो तो है ही तो ये मेरा एक्सपीरियंस था ट्रेनिंग का थैंक यू थैंक यू वेरी मच